हेलो गाइस, दिस इज़ योर फेवरेट फूड बाय राहुल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यार, इस पेंडेमिक ने इस दुनिया को हिला के रख दिया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बहुत से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए, पैसे के लिए, काम के लिए। तो पीछे लास्ट में बहुत सारी स्टोरीज भी आई हैं, बाबा का ढाबा है और भी एक दो स्टोरीज इमर्ज हुई हैं। तो उसी क्रम में मुझे भी एक स्टोरी जानने को मिली, जहाँ पे एक एमएनसी में काम करने वाले के स्टाफ थे, जिनकी जॉब चली गई थी ड्यूरिंग दिस कोविड-19। और 9 मंथ से, सोचो, वो मतलब उनको कोई सैलरी वगैरह और कुछ भी नहीं था, कोई इनकम नहीं थी। और उनको अपनी फैमिली चलानी है, सारे एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं। एंड समथिंग उन्होंने एक दिन सोचा, उनको कुछ दिन आइडिया एक दिन आइडिया आया कि क्यों ना कुछ किया जाए। किया जाए इन द सेंस कि उन्होंने क्या किया कि एक, इसको बोलते हैं हम, एक छोटा सा कार्ट, ठेला बोल देते हैं इसको लोकल लैंग्वेज में। उन्होंने सोचा कि उसको लगाया जाए। उस पे उन्होंने सैंडविच बेचना शुरू की, बर्गर बेचना शुरू किया। तो इट्स बीन अराउंड 20 डेज और समथिंग। तो उनका करेज देख के ना, जो जो बंदा एमएनसी में काम किया हुआ है, जो अच्छी पोजीशन पर रहा है, जो अच्छी इंग्लिश बोलता है, और ये सब चीज़ें देख देख के ना, अगर कोई बंदा इस तरह का काम करे और जिसको कोई शर्म नहीं है, कोई झिझक नहीं है, और काम कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, अपने परिवार के लिए कर रहा है, तो आई थिंक ऐसे लोग कहीं ना कहीं सोसाइटी को एक मैसेज देते हैं, लोगों को इंस्पायर भी करते हैं कि बॉस करना चाहिए, मतलब हम लोग को कुछ करना चाहिए। तो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका एक आर्टिकल पढ़ा था 2 दिन पहले, तो मुझे बड़ी इच्छा हुई उस जगह पे जाने की, और मैं गया भी आज। तो उसके कुछ वीडियो क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, इसके बाद आप वो देख सकते हैं। थोड़ा सा इंटरव्यू लंबा हो गया है, फिर भी मैं उसको शॉर्ट करके शॉर्ट में दिखाने की कोशिश करूँगा, और आप देखिए और एन्जॉय करिए। The only member in the house, or is there somebody else? No, I am the only person in the house. And your father? Running. My father is retired from LIC. Okay. He get the pension, but most of the time they are sick. Like they are old. They are in their 80s. Both of them. And if you go to my house, he is suffering from acute COPD. So his lungs are not working properly. I'm not telling you just to make it sad story. It's my reality. Yeah. So I have to take care of their medical expenses. Yes. So. And your mother is also in Haiti. She is suffering from arthritis and kidney problem. So, and when you have children, you have to pay their fees bills. I haven't paid the fees because it was very difficult. So how many months do you still owe your school? How many? School fees? Shuruaat se nahi na. For this whole session, I haven't paid. So when you say this whole session, what does it mean? Like from April till now. April till now. Yes, and I'm requesting them not to make like give me allow me some time to, because this is the fact that I'm suffering from this financial crash. It's not about me. Every second house. But I'm lucky that I got a chance that my people know my story. And if somebody is depressing, or if my story motivate them in some way, I'll be very happy. हो गया आपके यहाँ पे सर? 20 दिन हुए हैं। बहुत लोगों ने ये सब पूछा होगा, मैं तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये। कोई बात नहीं सर, थोड़ा अपने बारे में कुछ बता दीजिए, एंड ये आइडिया कैसे आया? ऑल्दो लोगों ने देखा ही हुआ है आपका सोशल मीडिया पे, एंड यू आर एवरीवेयर एट सोशल मीडिया। जहाँ सर, मैं टूरिज्म सेक्टर से हूँ, जिसमें मैं इनबाउंड सेक्टर से हूँ बेसिकली। इनबाउंड सेक्टर मीन्स जो पीपल, जो लोग बाहर से आते हैं ना, मैं उनके लिए टूर पैकेजेस बनाता था। तो अब हुआ क्या है, जब से कोविड हुआ है, कोविड का प्रॉब्लम हुआ है,
इस पेंडेमिक के अंदर है ना टूरिज्म बिल्कुल ख़त्म हो चुका है. तो आई वॉज सिटिंग एट होम एंड फ्रॉम लास्ट 9 months माई जॉब लॉस, आई लॉस माई जॉब. और उसके बाद आई हैव टू थिंक समथिंग. जब आपके पास फैमिली हो, आपकी फैमिली हो ना सर, आपको कुछ सोचना ही पड़ेगा. तो बहुत टाइम लगा मुझे सोचने के लिए मैं क्या करूँ. आई थॉट कि मैं ये करूँ वो करूँ, जॉब्स का सोचा, बट जॉब्स के अंदर सैलरियाँ उतनी नहीं थी, जॉब्स भी नहीं थी. पर जब आपको एक अच्छी सैलरी मिल रही हो और उसके बाद एकदम आपको कम सैलरी मिलने लगे, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा डिप्रेसिंग फैक्टर आ जाता है कि क्या आप सिर्फ इतने लायक हो. तो आई थॉट नहीं, डिप्रेस नहीं होना है, आई नीड टू फाइंड अ वे. एंड दिस आई एम, माई एक्सपर्टीज इन दिस, लाइक आई एम अ काइंड ऑफ फूडी. अच्छा. और कुकिंग अ काइंड ऑफ पैशन आई एम फॉलोइंग फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स. लाइक आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव माई ओन कैफे. और तो आई थॉट के चलो इसी के अंदर अपना वो देना चाहिए, लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स रहता है. एंड टच वुड आई गॉट अ गुड रिस्पॉन्स. कोई बात नहीं. जब से आपका ये NI और टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल पब्लिश हुआ है, उसके बाद लाइक कैसा आपको रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? सर बहुत अच्छा. लाइक आई हैवेंट थॉट के ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे, बट आई एम गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स सर. ग्रेट. अभी लाइक द थिंग इज दैट बिफोर दैट लाइक आई हैवेंट रिसीव्ड अ सिंगल कंप्लेंट. पीपल लाइक माई फूड. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू के लोग मुझे ना, पीपल शुड नो मी फॉर माई टेस्ट, नॉट फॉर दिस इंस्पिरेशनल थिंग. बस वही चाहता हूँ मैं. मैं पहले भी सर्विस इंडस्ट्री में था, तो पहले भी सर्व करता था और अभी भी सर्व कर रहा हूँ. आपने अभी इसका अपना टाइमिंग कैसे रखा है? अभी 4 o'clock स्टार्ट किया हुआ है, 4 to 10:30 टिल 11. फिर धीरे धीरे, यानी अभी तो ये है कि शाम का ही रखेंगे. अच्छा. यस, बिकॉज आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स ऑल्सो. एंड मॉर्निंग के अंदर ये सारी तैयारियाँ करनी पड़ती हैं. एंड इट्स लाइक आई एम दी ओनली पर्सन. माई चिल्ड्रंस आर देयर टू सपोर्ट मी. माई वाइफ इज़ ऑलवेज देयर, लाइक शी इज़ टेकिंग क्लासेस, ट्यूशन देती हैं वो. तो उसके लिए भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. आपका यहाँ पे लाइक जो सबसे ज़्यादा जिस प्रोडक्ट पर रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो क्या आप मानते हैं यहाँ पे जो लोगों को आके ट्राई करना है? वेज ग्रिल सैंडविच, मेरे बर्गर्स, मेरे फुटलॉन्ग्स, दे आर ऑल गुड. लाइक वर्जिन मोहितो, इफ़ यू गो इन अ वेरी फाइन डाइन रेस्टोरेंट, यू विल गेट the virgin mojito. It's almost like more than 100 rupees. And if you find the cost, it's 30 rupees. Aapke sare items 100 ya 100 ke niche hi hain? Bilkul sir, because main aapko simple si baat bataun, covid ne sirf mujhe affect nahi kara, sabko affect kara hai. Agar main paisa zyada rakhne lagu aur koi aaye na, kyunki unki jeb mein bhi to paisa hona chahiye na sir. Jaise main affect hu, dusre log bhi affect hue. अभी आपके डिसीजन पे इस पे कैसा लगता है? आई एम वेरी हैप्पी. एक वेज ग्रिल सैंडविच. जी बिल्कुल. नव्या, इनके ये सैंडविच बनाने की और ये सब प्रिपरेशन करने की कहीं से लाइक कहीं सीखा था पहले? लॉन्ग टाइम बैक व्हेन आई वाज इन 12th, मैंने 12th पास आउट किया था. तो उसके बाद मैंने एक ऐसी छोटा सा कैफ़े ज्वाइन किया था. लोग करते हैं, हर कोई करता है 12th के बाद थोड़ा सा पैसा कमाने का. तो उधर मैंने 2 महीने एक खोला था, उस कहीं पे काम किया था. एंड देयर वाज अ मलेशियन लेडी, शी टॉट मी दिस ऑल दिस थिंग. तो 2 महीने के अंदर जो मुझे सीखने को मिला, और उसके बाद ये सारा का सारा मेरा वो है. अभी आप ऑनलाइन डिलीवरी का? अभी सोचूंगा मैं, बट अभी धीरे धीरे थोड़ा सा एक्सपेंड होगा जैसे कि मैं अपने आप को और पॉलिश कर पाऊँगा.
मैं ऑनलाइन चालू कर दूंगा है कि मैं सब कुछ फ्रेश बनाता हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं कल का रखा हुआ है या सब्ज़ियाँ भी अगर कल की बची हुई हैं तो उसको यूज़ कर लूँगा, नहीं। अगर कुछ भी बच गया है तो अगर लेट हो गया तो किसी जानवर को, गाय को खिला दिया, अदरवाइज़ अगर कोई बच्चा मिल गया तो मैं उसके लिए दे देता हूँ। इट्स नॉट अबाउट के आई एम प्रमोटिंग अनदर वे, बट आप जैसे ऐसे नहीं करते जैसे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो जैसे अनियन टमाटो ये सब ऑलरेडी उनके पास कटा हुआ होता है। एक्चुअली मैंने अभी इसलिए ये मैं घर पे ही काटता हूँ डेली, बट आज थोड़ा सा वो कल टाइमिंग का इशू बताया। हाँ आज थोड़ा सा वो कल सब ख़त्म हो गया था तो मुझे सारा कुछ सब कुछ मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, अदरवाइज़ ये सब मैं पहले करके रखता हूँ थोड़ा, तो इसलिए। क्या इसमें नहीं बनाना सर? आई विल टेक लास्ट क्वेश्चन नाउ। यस, इस पीरियड में जब से आपका लाइक ये सोशल मीडिया पर गया तो सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको क्या लगा? आपको क्या लगा किसी का अप्रिशिएशन मिला हो आपको क्या मतलब लाइक सबसे मुझे अच्छी अगर जो चीज़ लगी है कि हाँ मेरा ये काम करना सफल हो गया। हाँ वो मुझे ये लगा कि पीपल अब मेरी वजह से है ना मोटिवेट हो रहे हैं, और वो जो डिप्रेसिंग मोड में थे ना उससे ज़्यादा अब सोच रहे हैं कि मैं कुछ हम भी कुछ करें, वो मेरे लिए ज़्यादा इंस्पायरिंग है। लाइक उन्होंने मुझे कमेंट्स करे कि वी आर प्राउड ऑफ यू, यू मेड अस प्राउड एंड विल ऑल्सो थिंक समथिंग टू गेट अ बेटर फ्यूचर, वो मेरे लिए एक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था। फ्रॉम यस्टरडे इटसेल्फ आई एम गेटिंग कॉल्स फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड दे आर सेइंग रवि ब्रो यू गेव अस अ मोटिवेशन नॉट टू डिप्रेस, नॉट टू थिंक टू मच, जस्ट स्टार्ट एंड फाइंड अ वे। So are these people who've also lost their job? Yes. So there are, you know, friends who have lost their job. Lots of friends. Who are thinking of? Now they are thinking of like they find something or something like that. Yes. Right. Okay, sir. All the best from. Thank you. Our side. And you are from, sir? Sir, mera ek I'm a food blogger. Okay. मेरा एक YouTube चैनल है, Instagram पे पेज भी है, द नेम ऑफ फूड बाय राहुल। फूड बाय राहुल, ओके। सो वीडियो भेज भी दूंगा ये। थैंक यू। और आपका Instagram पेज है भी नहीं है ना? Instagram पेज है। हां तो मैं उसका आपको भेज दूंगा। RKB1432। इसका राउंड द कॉर्नर। राउंड द कॉर्नर का भी नहीं बनाया मैंने सर। चलो मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो अभी करनी है सर। मैं मुझे पता नहीं था कि इतना वो हो जाएगा, बट ठीक है, आई एम हैप्पी। तो आप मुझे अपना नंबर दे दीजिएगा प्लीज। जरूर जरूर, मैं आपको अपना कार्ड दे देता हूँ। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सो फाइनली एक घंटे की मेहनत के बाद में हमें ये सैंडविच मिल गया यहाँ पे, तो लेट्स ट्राई दिस। तो मैंने वहाँ पे जाके उनका सैंडविच भी ट्राई किया। मुझे सैंडविच उनका लाइक मेरा नंबर आने में एक घंटे का टाइम लगा, इतना उनके पास में क्राउड था उस टाइम पे। और मतलब अच्छा लगता है ऐसे लोग जब आगे बढ़ते हैं और इंस्पिरेशन बनते हैं लोगों के लिए, और मुझे तो वाकई में बहुत खुशी हुई, और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। तो यार मैं खाने के बाइट्स अच्छे से ले नहीं पाया क्योंकि क्राउड बहुत था वहाँ पे, तो थोड़ा सा मैनेज करना मेरे लिए टफ हो रहा था क्योंकि मेरे हाथ में एक हाथ में कैमरा था और एक हाथ में सैंडविच था, तो थोड़ा सा टफ था मैनेज करना। फिर भी मैंने कोशिश किया कि मैं अच्छे से उनका इंटरव्यू या फिर जो भी है मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ, तो जो भी है आपके सामने है। और अगर आपको ये वीडियो, ये एफर्ट अच्छा लगा हो या ज़रूर थम्स अप दे के ज़रूर जाना, और अगर आप नए हैं और आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, बाय बाय।